पार्लर का चाबी है, मेरा मर्द आएगा तो दे देने का, मेरे मर्द का औरत आएगा तो नहीं देने का। मर्द का औरत मतलब मर्द का औरत तो तुम ही हुई ना। अरे बाबा एक औरत और है, उसका भी आना जाना ऐसे रहता है। अच्छा वो जान दे, वॉशिंग मशीन में मैंने ना कपड़े डाला है धोने के लिए, एक घंटे बाद जाने का, वो निकाल के सब बराबर सुखा के धूप में आने का। हमें पड़ोस में रहती है नेबर, वर्किंग लेडी, कॉर्पोरेट करना मांगता है ना। नहीं बात सुनो कॉर्पोरेट लेडी, मैं अभी तेरे जंपर सुखाऊंगा मेरे घर में जो गेस्ट आए उनको अटेंड करूं मैं। गेस्ट आता है, गेस्ट किधर है गेस्ट तेरा? ये देख अंधी होगी। गेस्ट हेलो। अच्छा मैं, मेरे को पहचाना? मैं परिणीति श्रीवास्तव। मेरा इधर ना बाजू में ही ब्यूटी पार्लर है, right. कभी भी तुमको अगर ऐसा सुंदर दिखने का है ना तो मेरे पार्लर में आने का। मैं ऐसा सुंदर करके देगी, वैसे मतलब एक हिसाब से तुम सुंदर है, लेकिन समझो और सुंदर बनने का है, तुम्हें पूरा इसे बराबर ग्लो करके देगी। मैं ना ग्लो के लिए एकदम फेमस है, मैं जिधर से भी निकलती लोग बोलते देखो ग्लो वाली औरत जाती है। ग्लो लेके आएंगी? मैं ग्लो ऐसे लाती है। तो ये जो पहले स्टीम इंजन चलते थे उन पे भी ग्लो आप ही लेके आती थी? सीरियस हूँ मैं, अभी आप लेट नहीं हो रही, जाइए ना अभी आप। सीरियस तो चलेगा, जोक मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा मैं क्या बोलती है, ऐसे देखो अगर एक गेस्ट को मिलेगी और एक गेस्ट को नहीं मिलेगी तो ये माइनर बेड होता है, तो क्या इनको क्या लगेगा कि मेरी बॉडी में घमंड भरेला है? इसके लिए मतलब तुम मेरे को पहचाना? नहीं, मैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव। अच्छा अब मेरे बाबा कितनी झूठी हो रही, अभी तो बोल रही परिणीति श्रीवास्तव, अभी सिद्धार्थ श्रीवास्तव हो गई। अरे बाबा मैं जिससे मिलती ही ना उसके हिसाब से बात करती है, तुम्हारा नौकर है ना राजू, जब उससे मैं मिलती है तो उस दिन मैं राजू श्रीवास्तव रहती है। समझे क्या? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ जी मैं ब्यूटी ऑफ द ईयर। मैंने सुना ना आजकल भगवान किसी को फुर्सत में बनाता है, तुम्हें तो मुझे लगा गुस्से में बनाया उसने। ये ऐसा फालतू बात करने का नहीं, मेरे गुस्से में नहीं बनाया भगवान ने, मेरे को ओवर टाइम में बनाया। अरे अभी जाओ ना, लेट नहीं हो रही तुम। अरे क्या क्या लेट होने का, इतने अच्छे गेस्ट आए थे, इनसे कुछ सीखने का, इनसे कुछ लेने का। मैं क्या बोलते हैं सिद्धार्थ, हाँ जी तुम वो तुमको जमते हैं, बहुत जगह ऐसा रहता है ऐसा लंबा ऐसा मेज बनाते हैं, ऐसा टेबल लगाते हैं लंबा लंबा, उधर ऐसे ऐसे लड़की लोग ऐसे ऐसे चलती है, और इधर उसके दोनों बाजू ना बहुत शहर के बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, रैम प्रेम। तो क्या जो बड़े बड़े लोग रहते हैं सूट टाई लगा के, जिधर जिधर छोकरी जाती है उधर उधर उनकी मुंडी जाती है, ऐसे देंगे जिस छोकरी यहाँ से चली तो ऐसे उसको देखते फिर उसको उधर छोड़ के आते, उसको छोड़ के आके फिर इधर से वापस दूसरी को लेके जाते, फिर उधर जब बहुत जमा हो जाती तो सबको लेके ऐसे आते। तो तुमको जमेगा क्या रैंप पे से चलने का, तो मेरे को आर्ट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो तुमको अच्छा लगेगा। आर्ट चाहिए? आ जा रही श्रीवास्तव जाओ ना, अभी लेट नहीं हो रही। हाँ मैं जाती है, लेट नहीं जाती है। हाँ। मेरा मैं मतलब है जाती है, शो में जाती है, चल बराबर उनको क्या है। जी मैम। ओ तोता परी। हाय कपिल। हेलो जी। हाय परी। हाय। मेरा नाम सुनीता है। जी सुनीता। मैं कपिल को गाने से इम्प्रेस करूंगी। जी एक्शन। हमको हमी से चुरा लो, चुरा लो, चुरा लो। दिल में कहीं तुम बसा लो, हम अकेले रह न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। मम्मी तुमने इसलिए भेजा था मुझे बॉम्बे?
मैं लोगों को उन्हीं से चुराऊं और दिल में छुपाऊं? आप छुपाने ही लग गए हैं कपिल भाई, क्योंकि आप बहुत कॉमेडी करते हैं, इतने फेमस हो गए, बहुत अच्छे लगते हैं सबको। थैंक यू। मैं शर्मा आ गया। तो कौन है हमारे दोस्त जो हंसाने वाले हैं कपिल को? हुआ है थातिया ख्वा के नी। हुआ है थातिया ख्वा के नी। हुआ है सेम टू यू। थातिया ख्वा के नी। थातिया कातिया। ये लोहे का हाथ है। ये क्या चुटकुला हुआ जी? अरे जिसको समझना तो और हंसना तो और फंसना तो वो समझ गई। मेरे को एक बात बताइए, ये आपने कौन सी भाषा में चुटकुला सुनाया भाई साहब? मैंडरिन। ओह वाओ। यस। अच्छा ये सेम लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको ट्रांसलेट करूंगा। मैंने भी काफी पढ़ाई लिखाई की है सारी लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा मैं लाइन सेम बोलूंगी, डिफरेंट इमोशंस में बोलती हूँ, आप मुझे बताओ इमोशन में मैं क्या कहना चाहूंगी। मैं पूरा एक ए टू जेड समझाऊंगा, आप बोलिए तो सही। आप हुआ है था दिए ख्वा खे नी। दिल करता है सिद्धार्थ को मुक्का मारो। तुम्हारी इमोशंस नहीं मेरे इमोशंस। हाँ आप ही की बता रहा हूँ, आप ही के इमोशंस, आप ही की तरफ से कंट्रोल। आगे आगे। ओके सेकंड इमोशन। हुआ है थातिए ख्वा खे नी। आए हाय सिद्धार्थ तो मुझे छोड़ने आया, लाइक तो मैं कपिल को करती हूँ। हुआ है थातिए ख्वा खे नी। कहती इसको शक मत होने दे, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चुपचाप निकाल लेते हैं। शर्मा चोपड़ा मल्होत्रा, मुझे लगता है शो कालका जी में हो रहा है। सारे नॉर्थ इंडियन ने कि यहाँ पे। अच्छा परी आप पहले भी शो में आ चुकी हैं जी, सो अभी जो दोबारा आई हैं आप, तो डू यू हैव समथिंग लाइक क्रश ऑन मी? मैंने जैसे कि पहली बार बोला था आई लव यू कपिल, तो मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। एक सेकंड भाई साहब, इतना अच्छा लग रहा है भाई बहन का प्यार देखते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है भाई बहन का प्यार। सिद्धार्थ आपकी जो डेब्यू फिल्म थी आपने, मतलब जो स्कूल में आपने पढ़ाई की उस फिल्म में, ये कौन सा स्कूल है आपका जहाँ पे घुटनों से 10 इंच ऊपर स्कर्ट पहन के लड़के हैं? कौन सा स्कूल है ये? इसके फॉर्म कहाँ से मिलते हैं? ये सर एक ये करण जो ने स्कूल बनाया है सर। हमारे स्कूल में क्लासेस नहीं होती है, लड़के सिर्फ कैंटीन में गाना गाते हैं या तो बाहर अपनी फरारी चलाते हैं। हमने तो कभी ऐसे स्कूल देखे नहीं पाजी, स्कूल में फरारियां लेके घूम रहे। तुम कॉलेज में आ गए तब भी स्कूटर नहीं था हमारे पास। मैं आपको बड़ी ओरिजिनल बात बताता हूँ, मैं कॉलेज 2 टाइम जाता था, एक सुबह जाता था, शाम को जाता था प्ले की रिहर्सल करने में, थिएटर करता था। तो मेरी सिस्टर के पास लेडी साइकिल था, तो मैं लेडी साइकिल लेके ना तो स्कूल गया, तो मेरे कॉलेज के बाहर लस्सी की दुकान थी, तो मैं वहां पे पी रहा हूँ, तो सामने से एक लड़की आई उसकी माँ साथ में, वो लड़की मेरी क्लासमेट थी, उसने मेरे को उस लस्सी पीते हुए देख लिया, तो मेरे में भी एटीट्यूड की उसको पता चलेगा लस्सी पी रहा अमीर आदमी, 12 रुपए का गिलास था लस्सी का, तो मैं लस्सी पी रहा हूँ। अब लस्सी पी रहा हूँ तो सड़क टाइट है, साइकिल मेरा लगा हुआ है, पीछे से रेड़े वाला आ गया बुजुर्ग, ये किसका साइकिल है? अब वो लड़की ने मेरे को देख लिया, मैं बताऊँ ना कि मेरा है। आई डोंट नो किसका। उसने लात मारी, मेरा साइकिल मेरे आंखों के सामने गिराया भाई। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को मतलब, ये सच्ची बात है, बिगड़ गया साइकिल। और बाद में उठाते हुए देख लिया लड़की ने, प्रॉब्लम ये हो गई, टांगे वाला तो लात मार गिरा गया। मैं कहा बदतमीज लोग, ऐसे थोड़ी किसी का साइकिल गिराना चाहिए।